गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, आज हम पढ़ेंगे शून्यक से द्विघात तथा त्रिघात बनाना। द्विघात बनाने का फॉर्मूला क्या है? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और त्रिघात बनाने का क्या है? एक्स क्यूब माइनस कोष्टक में अल्फा धन बीटा धन गामा, कोष्टक बन एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यह हम याद कैसे करेंगे द्विघात बहुपद, पहले देखिए याद करने का ट्रिक। सबसे पहले क्या आता है हमारा ए, उसके बाद क्या आता है बी, उसके बाद क्या आता है हमारा सी। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी होता है। तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर क्या आता है? सी आता है। तब ध्यान से देखिए सभी लोग, तो हमारा अल्फा धन बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बटे ए। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे, मतलब अल्फा जहां बी है, जहां पे बी है वहां पे क्या लगेगा? माइनस, माइनस लग गया। और वहां पे क्या रहेगा? अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा। ए वाले को नहीं लेना है, ए वाले के पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखिए सी वाला कैसे याद करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। सी क्या रहेगा हमारा? प्लस। यहाँ पे देखिए सी हमारा क्या है? प्लस। यहाँ भी प्लस है और सी की जगह क्या है हमारा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बी वाला की जगह क्या रहेगा? बी वाले का चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। बी वाले का चिन्ह क्या है? माइनस। और बी वाले के पास क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा। ए वाले के पास भी कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए इसका ट्रिक, देखिए त्रिघात बहुपद का ये ट्रिक पहले वाले का था, अब ट्रिक दूसरे वाले की देखिए। इसके याद करने का नियम, यहाँ पे ए की जगह कुछ नहीं रहे, यहाँ उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब धन बी एक्स स्क्वायर धन सी एक्स प्लस डी, यह होता है। अब ध्यान सभी लोग देखेंगे, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर आप लोग को बताया था क्या होता है? माइनस बी बटे ए, मतलब जो बी वाला रहेगा वो क्या रहेगा? माइनस रहेगा। जो बी वाला है देखिए माइनस है कि नहीं, बी की जगह माइनस है, बी वाला माइनस है। और माइनस में क्या लिखेंगे? अल्फा धन बीटा प्लस अल्फा धन बीटा धन गामा। देखिए बी वाला की जगह क्या लिखे हैं हम लोग? माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा। फिर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल आपको बताए थे, अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बटे। और सी हमारा क्या रहेगा? प्लस। देखिए सी हमारा प्लस है, या ए है, या बी है, या हमारा सी है, या हमारा डी है। अब सी वाला देखिए प्लस है कि नहीं, और सी की जगह कितना लिखेंगे? यही लिखेंगे, यही है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बटे। अब डी वाला क्या रहेगा? माइनस। देखिए डी माइनस है कि नहीं, डी माइनस है, डी की जगह कितना लिखेंगे? यही लिखेंगे। आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, इसके जो फार्मूला बताया गया था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, वही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, कुछ अलग से नहीं है। मेन फार्मूला हमारा यही है, अगर आपको शून्यक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद बनाना है या त्रिघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, त्रिघात बहुपद बनाना है तो नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हम सिलेबस प्रश्नावली आपका 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। अब हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तथा सत्यता की जांच करना है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्या है? शून्य ज्ञात करना है।
जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो इसके बराबर क्या लगा देते हैं हम लोग, जीरो। अब देखिए, अब हमको इसका क्या करना है, गुणनखंड। आप लोग को गुणनखंड हालांकि कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक। अब पहली संख्या का गुणा अंतिम संख्या में कर देते हैं, पहली संख्या एक है और अंतिम संख्या क्या है, आठ। एक का गुणा हम आठ में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आठ। इजी ढंग से हम आप लोग को बता रहे हैं, एक का गुणा आठ में करेंगे तो कितना आएगा, आठ। अब आठ किसके किसके पहाड़ा में आता है, एक का गुणा हम आठ में करते हैं तब आठ आता है, दो का गुणा चार में करते हैं तब आठ आता है, अब फिर उसके बाद चार का गुणा दो में करेंगे तब आएगा, और आठ का गुणा एक में करेंगे तभी आएगा। अब देखिए यही दोनों कंडीशन लागू होगा और कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए, अब इन दोनों जोड़े में से कौन सा जोड़ा है? हमको इधर वाले से मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों जोड़े में से एक ऐसा जोड़ा लेना है कि जो जोड़ने घटाने पर हमको क्या प्राप्त कर दे, दो प्राप्त कर दे। जोड़ो चाहे घटाओ हमको कितना आना चाहिए, दो। देखिए अगर हम आठ में एक जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, नौ। यहाँ पे नौ है नहीं तो ये कैंसिल हो गया। अब आठ में एक घटाएंगे तो कितना सात प्राप्त होगा, घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, सात। अब देखिए ना ही यहाँ पे नौ है ना ही यहाँ पे सात है तो यह वाला जोड़ा क्या हो गया, कैंसिल। जब यह वाला कैंसिल हो गया तो बचा एक, यही फल होगा। देख लीजिए अगर हम चार में दो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, छः। और लेकिन चार में दो घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, दो। यहाँ पे दो है कि नहीं, हाँ हमारा दो है। अब देखिए घटा रहे हैं तब हमारा दो आ रहा है, तो घटने का नियम क्या क्या है। अब इन्हीं दोनों संख्या चार में हम दो घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, दो। चार में हम दो घटा रहे हैं तभी प्राप्त हो रहा है दो। अब ध्यान से देखिए सभी लोग, घटने का नियम क्या कहता है, घटने का नियम कहता है एक चिन्ह क्या होगा, प्लस हो, विपरीत चिन्ह होता है तभी घटता है, समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है, जुड़ता है। अब विपरीत चिन्ह रहते हैं तभी क्या होते हैं, घटते हैं। तो जब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो बड़ी वाली संख्या माइनस हो जाएगी और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बड़ी वाली संख्या माइनस होगी और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस। अब दो की जगह हमको क्या रखना है, यही चीज आपको दो की जगह यही रखना है। यह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। यह एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस, अब दो की जगह यही पर रखना है, माइनस चार है माइनस चार, यक्स है यक्स उतार लेंगे, फिर प्लस टू है प्लस टू, यक्स है यक्स उतार लेंगे, माइनस आठ बराबर जीरो। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब देख लिए एक बार फिर से, आठ का गुणा एक में करेंगे आठ, आठ किस कंडीशन में आता है, एक का गुणा आठ में करते हैं तब आता है और दो का गुणा चार में करते हैं तब आठ आता है। लेकिन आठ का गुणा एक का गुणा जो हम आठ में करते हैं तो एक में आठ जोड़ेंगे तो नौ प्राप्त हो जा रहा है, आठ में से एक घटा रहे तो सात प्राप्त हो रहे, जबकि यहाँ पे नौ और सात दोनों नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो यह वाला फॉर्म कैंसिल हो गया, यही वाला फॉलो कर रहा है। तो मतलब चार में दो घटाए तो दो प्राप्त हो रहा है, घट रहा है। तो घटने का नियम क्या होता है, जब अलग अलग चिन्ह होता है तभी घटता है, अलग अलग चिन्ह होता है तब घटता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो बड़ी वाली संख्या जो होगी माइनस होगी और छोटी वाली संख्या क्या होगी, प्लस होगी। अब देखिए अब यक्ष स्क्वायर, अब कोष्टक के बाहर माइनस अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चार एक्स है तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर एक्स। अब माइनस टू है, अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो गया, और चार एक्स है। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस चार एक्स प्लस चार एक्स, अब प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस एट है माइनस एट बराबर जीरो। अब इन दोनों को एक साथ में ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ में ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, यक्स, जब दो यक्स बाहर, दो यक्स यहाँ पे है, एक यक्स बाहर निकल गया तो एक यक्स बचा प्लस है प्लस। अब यहाँ पे चार यक्स है, यक्स जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, चार बस। अब देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस लगा लिए। अब यहाँ पे देखिए दो है यहाँ पे आठ है, दो कॉमन ले लेंगे तब देखिए दो का भाग दो में देंगे एक हो जाएगा, एक लिखिए चाहे मत लिखिए, यक्स है यक्स। अब देखिए माइनस जब कॉमन लेते चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब दो का भाग आठ में देखिए कितना आ जाएगा, चार बार बराबर जीरो। आपका जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वाली राशि, बॉक्स के अंदर वाली संख्या जो है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे इसमें यक्स प्लस चार है तो इसमें भी यक्स प्लस चार ही आना चाहिए, ये नहीं कि यक्स माइनस चार आ जाए तो गलत है कहीं आपका। इसमें यक्स प्लस चार है तो इसमें भी यक्स प्लस चार होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। अब देखिए अब यहाँ पे एक राशि यह है, अब एक राशि यह है।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस चार कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है माइनस टू, x माइनस टू बराबर जीरो। अब देखिए सभी लोग, अब एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे और एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे, तो x प्लस चार बराबर जीरो लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस चार। एक शून्य का आपको ज्ञात हो गया है, x का जो मान होता है वही तो शून्य होता है। अब देखिए फिर क्या है हमारा, x माइनस टू बराबर जीरो, तो इधर माइनस टू है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। अब देखिए x के दो मान प्राप्त हुए हैं, द्विघात बहुपद है तो हम आप लोगों को पहले बताए थे जितना बड़ा घात होता है उतने ही क्या होते हैं उसके शून्यक, जिस बहुपद का जितना बड़ा घात होता है उतने ही उसके क्या होते हैं शून्यक होते हैं। इसका सबसे बड़ा घात क्या है दो, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होंगी दो, आपका शून्यक प्राप्त हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला था कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए अब शून्य हमको प्राप्त हो गया, पहला शून्य क्या है दूसरा शून्य क्या है, तो हम लोग क्या निकालते हैं शून्यकों का योगफल। सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग फल। पहला शून्य क्या है हमारा माइनस चार, माइनस चार योग फल माने जोड़ना है, और दूसरा शून्य क्या है प्लस टू। माइनस चार में दो जोड़ेंगे कितना जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, चार में से दो गया दो, अब बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, दो इसके बटे कुछ नहीं तो एक। अब यहां पे ध्यान सुनिए सभी लोग, दोनों शून्यकों का योग फल कितना आया माइनस टू बटे एक, तो माइनस टू हमारा क्या है ध्यान से देखिए, माइनस टू हमारा क्या है बी यक्स का क्या है गुणांक है, यह क्या है यक्स का गुणांक, और एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फा धन बीटा कर रहे हैं तब पर भी इतना आ रहा है, यक्स का गुणांक देखिए यह क्या है शून्य का योगफल आया, और यही क्या है हमारा क्या है गुणा x का गुणांक है, और नीचे वाला क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, मतलब शून्य तथा गुणांकों के बीच में दोनों आपस में बराबर है, सत्यता की जांच हो जा रही है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पहला शून्य क्या है हमारा माइनस चार, दूसरा शून्य क्या है प्लस टू, माइनस चार इंटू टू, देखिए गुणनफल मतलब गुणा करना है, माइनस चार में दो का गुणा करेंगे चार दूना आठ, अब प्लस माइनस गुणा प्लस में होगा क्या आएगा माइनस, माइनस आठ इसके बटे कुछ नहीं तो एक। अब यहाँ पे देखिए माइनस आठ बटे एक आ गया, अब माइनस आठ क्या है माइनस आठ हमारा क्या है अचर पद है, अचर पद, बट एक हमारा क्या है यक्ष स्क्वायर का गुणांक, यक्ष स्क्वायर का गुणांक। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसमें आपको नाइन क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें नाइन क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, आप लोग कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा क्वेश्चन हम बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। देखिए पहला हमारा है इसमें वन बटे फोर माइनस वन, कह रहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, मतलब पहला क्या है शून्यकों का योग और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग आपका दिया गया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, दिया हुआ है -1। तो हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। देखिए द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा कोष्टक बन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। अब देखिए सभी लोग, तो क्या एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर माइनस, यह क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4। 1/4 कोष्टक बन एक्स प्लस दो, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1। -1 आप देखिए, जब हम इसको हल करेंगे कोष्टक माइनस तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर का यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित, जो कोष्टक के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। 1/4 एक्स है, अब देखिए कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा, -1। अब देखिए इसमें हम 4 का लॉस ले देते हैं, लॉस 4 लेंगे। अब देखिए 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस, 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1x, और माइनस है माइनस, अब 1 का भाग 4 में देंगे 4, 4 कम 4। अब सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारा क्या निकल गया है? इतना गया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 है। अब देखिए, अब हमको यहाँ बराबर 0 लगा दे रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा क्यों? इसके बटे कुछ नहीं, तो एक तिरिया गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा इसमें होगा तो वही संख्या प्राप्त होगी माइनस एक्स माइनस 4। अब 4 का गुणा 0 में करेंगे क्या आ जाएगा? हमारा 0 प्राप्त होगा। अब हमको बहुपद निकालना है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा क्या निकला? बहुपद निकला। 0 समाप्त कर दिए। ऐसा क्यों? जब हम बराबर 0 लगा देते हैं, जब बहुपद के बराबर, बहुपद में अगर बराबर लगा देते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? समीकरण में, इक्वेशन में। जब बहुपद में बराबर लगा देते हैं तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? समीकरण में। आपको समीकरण नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमको? बहुपद पूछ रहा है। तो हम ऐसा बराबर 0 क्यों लगाए? क्योंकि 4 को हटाने के, जो नीचे 4 है उसको हटाने के लिए बस बराबर 0 लगा दिए हैं, और उसके बाद 0 हटा दिए हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे एक यहाँ पे 0 है, 0 के बराबर कर देंगे, 0 मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, 0/1 लिख दिए, तिरिया गुणा कर दिए, हमारा ये 4 आसानी से समाप्त हो गया। अब देखिए यही हम आपको हमारा आंसर निकला है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, और थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, नंबर सेम 1 की तरह है, जैसा 1 कह रहा था एकदम वैसे ही थर्ड है आपका। उसमें भी शून्य ज्ञात करना था तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना था, उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में भी शून्य ज्ञात करना है तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आसानी से कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा हमसे। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा, इसे क्या बोलते हैं? लेमडा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। जो शून्यक दे दिया है, शून्यक दिया है, शून्यक किसका मान होता है? x का मान होता है, x का मान दे दिया है 1/2। आप लोग ध्यान सुनिए, शून्य दिया हुआ है, शून्य क्या होता है? x की वैल्यू होती है, x की यहाँ पे कितने, देखिए घात कितने हैं? 2, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। आपको एक शून्य दे दिया है और लेमडा का मान पूछा है, तो x का मान इसमें रख देंगे, लेमडा का मान आसानी से निकल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा है बराबर 0। क्यों बराबर 0 लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें शून्य की बात करें, जब जिस क्वेश्चन में शून्य की बात करेगा उसके बराबर क्या लगा देंगे हम लोग? 0। अब यहाँ पे देखिए 2 है, x का मान कितना रखेंगे? x की जगह कितना रखेंगे? 1/2। x आ गया तो x की जगह 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस है प्लस 3 है 3। अब देखिए
यह क्या है हमारा चर है, यह क्या है अचर। चर अचर के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? गुड़े का। दो अलग अलग राशि के बीच में हमेशा गुड़े का चिन्ह होता है। अब यक्ष आ गया तो एक बटे दो प्लस लेमडा है, लेमडा बराबर जीरो। अब देखिए दो इंटू एक का स्क्वायर करेंगे, एक और दो का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा चार, प्लस ऊपर का ऊपर गुड़ा होता है नीचे का नीचे, तीन एक कम तीन और दो एक कम दो, प्लस लेमडा बराबर जीरो। अब यहाँ भी दो एक कम दो, या तो काट सकते हैं दो बटे चार प्लस तीन बटे दो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। दो एक कम दो, दो दूनी चार, एक बटे दो प्लस तीन बटे दो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। अब देखिए सभी लोग, एक बटे दो और तीन बटे दो लस ले लेते हैं, दो आएगा लस नीचे। हर अगर समान रहता है तो अंश को क्या कहते हैं जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं, घटाना रहता है तो क्या कहते हैं घटा देते हैं। तो तीन में एक जोड़ेंगे कितना आएगा चार प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। दो में का दो का भाग चार होने में कितना आएगा दो प्लस लेमडा बराबर जीरो। इधर प्लस टू है उधर जाएगा तो माइनस टू। अब लेमडा का हमको मान निकल गया कितना आया है माइनस टू। चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो शून्यक होता है हमेशा जो यहाँ पे दिया रहता है उसी का क्या होता है मान होता है। अगर यहाँ पे वाई होता तो यह वाई का मान है, यहाँ पे यक्ष है तो यक्ष का मान है, यहाँ पे जेड रहता है तो यह जेड का मान होता है। हमेशा जो चर होता है उसी का वह शून्यक क्या होता है मान होता है। यहाँ पे घाते दो है तो दो शून्यक होगा, लेकिन एक ही शून्यक का मान दिया हुआ था और लेमडा का मान पूछा हुआ था। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर कड़ी में तीन एक्स प्लस तीन के शून्य अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा है और क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। माइनस माइनस बी का मान आपको क्या है ये क्या है यहाँ पे देखिए, इसको तुलना हम द्विघात समीकरण करेंगे तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पर कुछ नहीं तो ए। अब देखिए ए का मान कितना है प्राप्त हुआ है आपको एक, ए का मान कितना है एक। अब बी का मान बी की देखिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, अब बी की तुलना इससे करेंगे कितना आएगा, बी की तुलना करेंगे तो माइनस चार कड़ी में तीन आएगा। और सी का मान क्या है प्लस तीन, सी का मान क्या है प्लस तीन। अब देखिए माइनस से माइनस बी का मान कितना दिया गया है यह है चार कड़ी में तीन बटे है ए, ए का मान कितना दिया है एक। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, सॉरी बी का मान माइनस है, बी का मान माइनस चार कड़ी में तीन। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, माइनस चार कड़ी में तीन है तो क्या हो जाएगा प्लस चार कड़ी में तीन, प्लस लिखे चाहे मत लिखिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। सी सी का मान कितना है तीन, ए ए का मान क्या है एक, एक का भाग तीन में देंगे कितना आएगा तीन। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी मान ज्ञात हो गया है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात हो गया है, तो इसमें हम रख लेंगे क्या पूछा क्या है हमको अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही पूछा हमसे। अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमको ज्ञात हुआ है चार कड़ी में तीन, माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है हमको तीन, ये हमारा आंसर। आप लोग जो उत्तरमाला में दिया गया आंसर वो गलत है, उत्तरमाला में आपको दिया गया कड़ी में तीन प्लस तीन दिया गया है, हालांकि वो गलत है। उत्तर की जांच करने पर आपको यह आंसर या तो इसके हम पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करेंगे तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन उत्तर आपका जो दिया गया है वो सही नहीं है, वो गलत है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री के शून्य पी क्यू है, तो पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका जो शून्य है पी और क्यू,
अगर हम शून्य ज्ञात कर लेंगे तो शून्य का पहले शून्य का स्क्वायर और दूसरे शून्य का स्क्वायर अगर जोड़ देंगे तो हमको हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या लगा देते हैं, शून्य। अब पहली संख्या का गुणा अंतिम संख्या में कर देंगे, दो का गुणा तीन में करेंगे क्या आएगा, छह। छह किसके किसके पहाड़ा में आता है, एक के पहाड़ा में छह आता है, दो के पहाड़ा में छह आता है और छह के पहाड़ा में छह आता है। अब देखिए इन्हीं दोनों कंडीशन में छह आता है, अब इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, सात आना चाहिए। अब देखिए छह में एक जोड़े तो सात आ गया, तो मतलब यह वाला हो रहा है तो यह वाला नहीं होगा। तो जोड़ रहे हैं तो जुड़ता कब कब है, प्लस प्लस रहता है तब जुड़ता है या तो माइनस माइनस रहता है तब जुड़ता है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस, तो प्लस वाला नहीं लेंगे। एक है क्या होगा माइनस वन और एक क्या होगा माइनस सिक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन है वन लिखिए, एक्स है एक्स, फिर क्या है माइनस छ, माइनस छ एक्स है एक्स, प्लस तीन बराबर जीरो। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो टू एक्स माइनस वन, माइनस देखिए कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो कब आएगा, जब यहाँ पे तीन कॉमन लेंगे तब आएगा, तीन का भाग छः में देंगे कितना आ जाएगा दो एक्स। अब देखिए माइनस कॉमन लिए तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस तीन, सॉरी तीन बाहर कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा एक बराबर जीरो। टू एक्स माइनस वन एक कोष्टक में, एक्स माइनस तीन एक कोष्टक बराबर जीरो। अब देखिए एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो, टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस वन, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा एक बटे दो, यक्स का मान ज्ञात हो गया। अब यह क्या है यक्स माइनस तीन बराबर जीरो, यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस तीन। अब देखिए यह पहला वाला जो यक्स का मान है वो किसका मान है, टी का मान है, टी का मान कितना आया एक बटे दो, और क्यू का मान कितना आया है तीन। अब देखिए यहीं पर रख देंगे, पूछा क्या है पी स्क्वायर धन क्यू बी स्क्वायर, पी का मान कितना आया एक बटे दो, एक बटे दो का स्क्वायर प्लस क्यूब, क्यूब का मान कितना है तीन, तीन का स्क्वायर, एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे कितना होगा एक बटे चार, प्लस तीन का स्क्वायर करेंगे नौ। अब लॉसा ले लेंगे, लॉसा कितना होगा हमारा चार, अब चार का भाग चार में देंगे एक, एक का गुणा करेंगे एक में एक आएगा, अब एक का भाग हम देंगे चार में चार बार जाएगा, चार का गुणा नौ में करेंगे छत्तीस, छत्तीस से सैंतीस, सैंतीस बटे चार, यही हमारा आंसर है। पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर का मान आया है सैंतीस बटे चार। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सात में कर रहा है, तीन एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फोर के शून्य एम तथा एन है, तो एम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो शून्य दिया है एम एम और एन उसका मान ज्ञात कर लेना है और इसमें रख देना है, तो आसानी से कर लेंगे, तीन एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, चातियाँ बारह, तीन एक्स स्क्वायर बारह किसके पहाड़ा में आता है। अब देखिए बारह है तो बारह किसके पहाड़ा में आएगा, एक के पहाड़ा में बारह आएगा, दो के भी पहाड़ा में बारह आएगा और तीन के भी पहाड़ा में बारह आएगा, चार के पहाड़ा में फिर छः के पहाड़ा में फिर बारह के पहाड़ा में। अब किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको ग्यारह आना चाहिए, देखिए बारह में एक घटा रहे हैं तो ग्यारह आ रहा है, तो मतलब यह दोनों खत्म हो गया, घटा रहे हैं तो चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है प्लस, तो बड़ी वाली संख्या प्लस होगी और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी माइनस, मतलब क्या होगा प्लस बारह एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। देखिए बारह में से एक घटा रहे हैं तो ग्यारह हो जा रहा है, आसानी से हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तीन एक्स कॉमन है, तो तीन का भाग तीन में देंगे एक, एक लिखिए चाहे मत लिखे, दो एक्स था दो एक्स है, एक एक्स बाहर निकल गया तो एक एक्स बचा, प्लस से प्लस, तीन का भाग बारह में देंगे चार, यक्स है यक्स बाहर निकल गया, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे चार, एक कॉमन लेंगे एक, तो एक का भाग एक में देंगे एक, लिखे चाहे मत लिखे यक्स। अब देखिए माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह परिवर्तित ज्यादा है, माइनस क्या हो गया प्लस चार, एक का भाग चार में देंगे चार बराबर जीरो, तो यक्स प्लस चार एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में तीन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे, तो यक्स प्लस चार बराबर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस चार। अब एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे तो तीन एक्स माइनस वन बराबर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा तीन एक्स बराबर, इधर माइनस वन है उधर जाएगा प्लस वन, तो यक्स इधर तीन का गुणा इस साइड आएगा, तीन का क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। अब देखिए जो पहला वाला मान है वो क्या है एम,
यम का मान निकल गया है माइनस चार और यम का मान निकल गया है एक बटे तीन। आपको बस इसी में रखना है और हल कर देना है। देखिए एम बटे यन प्लस एन बटे यम। अब देखिए या तो लस ले लीजिए, लस कितना होगा यम इंटू यन और तिरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। अब देखिए यम का मान कितना है माइनस चार, माइनस चार का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे प्लस है प्लस। यन का मान कितना है एक बटे तीन, एक बटे तीन का हम लोग क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। बट एम इंटू यन इन दोनों का आपस में क्या करेंगे गुणा, माइनस चार इंटू एक बटे तीन। अब देखिए माइनस चार का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा प्लस सोलह प्लस से प्लस, एक बटे तीन का वर्ग करेंगे एक बटे नौ बटे, और देखिए माइनस गुणा प्लस में होगा माइनस चार एक कम चार तीन एक कम तीन। यहाँ पे कुछ नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। ये यहाँ अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे एक। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 16 और 9, 9 का लॉस लेंगे तो 9 आएगा, एक का भाग 9 में देंगे कितना आएगा 9, 16 नवा 144 प्लस 9 का भाग 9 में देंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक, फिर बटे हमारा क्या है माइनस चार बटे तीन। 144 में एक जुड़ेंगे 145 बटे नौ। अब देखिए भाग भाग को गुणा में लेते हैं तो नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली राशि नीचे और तीन तरीके नौ 145। अब चार तीन 12, कभी भी माइनस जो होता है हर में नहीं रहता, हमेशा कहाँ रहता है अंश में। आपका यही आंसर है, कितना आया माइनस 145 बटे 12। यह किसका मान है यम बटे यन प्लस एन बटे एम का वैल्यू ज्ञात हो गया है हमको। अब देखिए आठवां जो क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह है और नवा क्वेश्चन क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल भी 10 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 10 है। गुणनफल भी हमको 10 दिया है, सुनको योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए बराबर कितना दिया है 10। गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे ए बराबर कितना है 10। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस बी का मान कितना दिया है माइनस पाँच बटे ए, ए का मान ए है बराबर 10 है 10। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, पाँच बटे ए बराबर 10। जब तिरक गुणा करेंगे तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 10, 5 एकम 5 5 दुना 10, ए बराबर कितना आया 1 बटे 2। अब हमको ए का मान ज्ञात हो गया है, अब हमको सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ बता देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 10, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है सी बटे ए बराबर 10। तब देखिए सी का मान सी है और ए का मान हमको ज्ञात हो गया है 1 बटे 2 बराबर 10। अब देखिए मेन भाग है, जब भाग को गुणा में डालते तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे बराबर 10। अब देखिए 2c बराबर 10 है, 2c बराबर 10 तो c बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 2, तो जब हम 2 का भाग 10 में देंगे कितना आएगा 5। मतलब a का भी मान हमको ज्ञात हो गया है और c का भी मान ज्ञात हो गया है। a और c का मान कितना कितना ज्ञात हुआ है एक, a का मान 1 बटे 2 और c का मान कितना ज्ञात हुआ है 5। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि x स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2 का शून्य ज्ञात करना है तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। हालांकि यह क्वेश्चन बता गया है, पहला क्वेश्चन बता गया है उसी प्रकार है, आप लोग को सॉल्व कर लेना है और सेम इसी प्रकार इसका भी शून्य ज्ञात करना है संबंध ज्ञात करना है, यह भी कर लेंगे आप लोग। अब सेम बारहवा क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में यही पूछ रहा है शून्य ज्ञात करना है तथा दोनों शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तेरहवा क्वेश्चन, तेरहवा क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद बनाना है।
आप लोग देखिए, त्रिघात बहुपद बनाना है शून्यकों का योगफल। पहले क्या आया है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल आया है। फिर दिया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। फिर उसके बाद आया है हमारा, फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसके बाद बोला है तीनों शून्यकों का योगफल गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया गया है। देखिए क्रमशः दिया हुआ है, मतलब पहले योगफल दिया है, फिर दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया है, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या क्या दिया गया है देखिए आप लोग, एक कम पहले का मान 2 है, दूसरे का मान आपको दिया गया है -7, -7 दिया गया है, और तीसरे का मान आप लोग को दिया गया है -14। तो आपको त्रिघात बहुपद बनाना है। त्रिघात बहुपद बनाने का हम आप लोग को फार्मूला बताए हैं, देखे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या है, क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा का मान कितना दिया गया है? 2, यहाँ पे रख देंगे 2। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस। अब इसका मान कितना दिया है? 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना दिया है? -7। एक्स है एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -14। -14 हम रख लेंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व करना है। एक्स क्यूब, अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो गया? -2x2। अब कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, -7x। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, -14 है तो क्या हो जाएगा? +14। आपका यही त्रिघात बहुपद। देखिए जब से यह फार्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक आप लोग इसे बना नहीं सकते हैं। फार्मूला याद करने की आसान ट्रिक हम आप लोग को बताएं, पहले क्या होता है ए, फिर उसके बाद क्या आता है बी, फिर उसके बाद क्या होता है सी, उसके बाद क्या आता है डी। अब देखिए पहले 3 घात है, फिर 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर क्या है? अचर पद होता है लास्ट में। आसानी से याद करते हैं, यह क्या है? अवरोही क्रम में घात को अवरोही क्रम में लिखा गया है। जैसे बहुपद का जो क्रम जैसे लिखा जाता है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं या तो आरोही क्रम में लिखते हैं। ये जो व्यापक रूप है यही सब, ये क्या लिखते हैं हम लोग? अवरोही क्रम में है। तो देखिए पहले बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर क्या होता है लास्ट में? अचर पद होता है। जैसे 3 है, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर अचर पद। फिर यहाँ पे क्या होता है ए, अब यहाँ पे क्या होता है बी, बी वाला क्या होता है? माइनस होता है, माइनस लगा दिए। फिर सी, सी वाला क्या होता है? सी बटे ए, इसका मान सी बटे ए होता है तो सी क्या होता है? प्लस होता है, उसमें तो प्लस है। और इसका मान क्या होता है? डी, माइनस डी बटे ए, तो माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्य 2, 3, 1/2 है। तो जांच करना है क्या यह इसके शून्यक है। अब देखिए कैसे जांच करेंगे, अगर हम यह, अच्छा जो शून्यक होता है वो किसकी वैल्यू होता है? x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना मान दिया है? 2 दिया है, x मान 3 दिया है, x मान 1/2 दिया है। अगर हम शून्यक तभी होगा जब यक्ष की जगह या तीनों मान रखेंगे, और तीनों बार में जो बहुपद होगा उसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जब यक्ष का मान रखेंगे इस बहुपद में, अगर शून्य हो जा रहा है बहुपद का मान, तभी उसके शून्य के, अन्यथा शून्य नहीं है। तो आप लोग, हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 1/2 रखेंगे, एक यक्ष बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा? 2
एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स माइनस 6 दो है, दो यक्ष का मान क्या है, यक्ष आ गया तो यक्ष के लिए क्या रखेंगे दो, और घाते तीन है घाते तीन माइनस 11 इंटू यक्ष आ गया यक्ष जगह दो रखेंगे दो स्क्वायर प्लस 17 इंटू 17 इंटू टू माइनस 6 दो का देखिए दो के घाते तीन का मान कितना होता है 8 आठ दूना 16 माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है 4 4 का गुणा 11 में करेंगे 44 प्लस 17 दूना 34 माइनस 6। अब देखिए सभी लोग, अब देखिए समान चिन्ह को पहले हम जोड़ते हैं, 16 में 34 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 10 की सुनना हासिल लगाए 3 1 4 1 5 50 आ गया। अब देखिए माइनस 44 माइनस 6 समान चिन्ह जोड़ देंगे, माइनस 44 में 6 44 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, बड़े के चिन्ह क्या है माइनस। अब देखिए 50 माइनस 50 कितना मान आया 0, तो मतलब यह इसका शून्य है। इसी प्रकार हम यक्ष का मान कितना रखेंगे एक बार 3 रखेंगे, इसमें रख देंगे तो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 अब 3 रख रहे हैं तो 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है माइनस 11 और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 प्लस 17 गुणे यक्ष का मान कितना है 3 माइनस 6 माइनस 6। अब देखो 27 गुना कितना होता है 54 और 11 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 99 प्लस 17 तीन कितना होता है 51 होता है प्लस 6 प्लस 6 सॉरी माइनस 6 माइनस 6। अब देखो समान चिन्ह को जोड़ते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे 4 1 5 और 5 5 10 और माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 99 में 6 जोड़ेंगे 6 9 15 5 80 लगा 1 9 6 15 नौ छः पंद्रह पाँच हासिल लगा एक नौ एक दस बड़े के चिन्ह क्या है माइनस 105 में 105 घटाएंगे कितना आएगा 0। अब हम क्या रखेंगे, अब लास्ट हमारा बचा है यक्ष का मान कितना रखना है हमको 1/2 यक्ष जगह हम 1/2 रखेंगे, अगर इसका भी मान 0 आ गया तो यह इसके शून्य हैं। तो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर धन 17x माइनस 6 2 इंटू 1/2 अब देखिए यक्ष जगह क्या रखेंगे 1/2 घाते तीन है घाते तीन माइनस 11 है, अब यक्ष जगह क्या रखेंगे 1/2 रख दे स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस 6। अब देखिए 2 × 1 का क्यूब करेंगे 1 और 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, अब माइनस 11 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 17 × 17/2 माइनस 6। अब सभी लोग देखिए 2 से कट जाएगा 2 × 8 मतलब 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6। अब हम सभी लोगों का लसा ले लेते हैं, इन सभी का लसा लेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, एक है एक 4 का भाग 4 देंगे 1 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 माइनस है माइनस 4 का भाग 4 देंगे 1 1 का गुणा 11 में करेंगे 11 प्लस प्लस 2 का भाग 4 देंगे 2 2 का गुणा 17 में करेंगे कितना आएगा 34 माइनस है माइनस 1 का भाग 4 देंगे 4 4 का गुणा 24 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 का गुणा सॉरी 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 24। अब यहां पे देखिए समान चिन्ह को जोड़ देते हैं, 34 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 35 माइनस, अब देखिए 4 अब देखिए माइनस 11 माइनस 24 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3 35 आ गया बटे कितना है 4। अब 35 में से 35 गया कितना आएगा 0 0 बटे 4 की संख्या का भाग 0 में देते हैं क्या आता है 0। अब देखिए 2 का भी मान रखे तब पर भी 0 आया, 3 का भी मान रखे तब पर भी 0 आया और 1/2 का भी मान रखे हैं तो 0 आया। इससे सिद्ध होता है कि जो दिया गया बहुपद है उसके शून्य यह है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग, देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले जो ज्ञात करना है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इसे हम सॉल्व करें, दोनों में अल्फा बीटा है दोनों में कॉमन ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा बाहर निकल गया
तो क्या बचा, एक अल्फा बचा, बीटा बाहर निकल गया, प्लस है प्लस। अब देखिए अल्फा बाहर निकल गया, दो बीटा है तो एक बीटा बचेगा। अब यह क्या निकल गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू, सॉरी इधर क्या है अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है माइनस बी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटे। अब देखिए ऊपर को ऊपर गुणा, नीचे का नीचे का गुणा, बी का गुणा सी में होगा क्या आएगा बी सी, और माइनस का गुणा प्लस में होगा माइनस, बटे ए का गुणा ए में होगा ए स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो सॉल्व करना देखिए जो दिया गया है उसी को सॉल्व कर लिए हैं, तो इस रूप में आ गया है। यह रूप क्या है, यह द्विघात समीकरण है, तो यह क्या है अल्फा धन बीटा, मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए। यह क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का, सॉरी मूल शून्य को, शून्य शून्यकों का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। हम मूल बोल दिए इसलिए क्योंकि जो समीकरण होता है इसी चीज को हम समीकरण में मूल बोलते हैं, और जो बहुपद है और जैसे यह बहुपद चैप्टर है तो इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बोलते हैं शून्य, इसी चीज को समीकरण में हम लोग बोलते हैं मूल, और इसी चीज को बहुपद में बोलते हैं शून्य। अब आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है सी बटे, तो इसी का मान हम इसमें रख दिए हैं। यह फार्मूला आप लोग को बताया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे, इसी का मान हम इसमें पुट कर दिए हैं, तो यह हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है एफ एक्स, बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब दो शून्य का गुणनफल। देखिए यहाँ पे घाते तीन है तो इसके कितने शून्य होंगे, तीन, मान पहला शून्य अल्फा होगा, दूसरा शून्य बीटा होगा, और तीसरा शून्य क्या होगा गामा होगा। तो लेकिन दो शून्यकों का किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 12, मान ले रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब सभी शून्य का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, अल्फा का भी मान ज्ञात करना है, बीटा का भी मान ज्ञात करना है, और गामा का भी मान ज्ञात करना है, अल्फा का भी मान ज्ञात करना है, बीटा का भी मान, और गामा का भी मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं अल्फा, अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता क्या है माइनस डी बटे, क्या होता है माइनस डी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 12, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं 12 इंटू गामा बराबर माइनस माइनस, और डी डी का मान कितना दिया गया है 24 बटे ए, ए का मान क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो एक। अब देखिए इसका, अब देखिए 12 इंटू गामा बराबर माइनस 24, इधर 12 का गुणा इधर आएगा, 12 का क्या हो जाएगा हमारा भाग माइनस 24 बटे 12, 12 का भाग हम 24 में देंगे कितना बढ़ जाएगा 2, माइनस से माइनस। अब देखिए हमको गामा का मान निकल गया, गामा का मान निकल गया कितना आया माइनस 2। इसी प्रकार हमको अल्फा का मान ज्ञात करना है और बीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग अल्फा, हमको गामा का मान निकल गया, अब हम लोग सभी लोग जानते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर कितना होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा धन बीटा प्लस गामा का मान कितना निकल गया है माइनस 2 बराबर माइनस माइनस, बी का मान कितना है या ए का मान होता है या बी का मान कितना है माइनस 5, माइनस 5 बटे ए का मान क्या है एक, लिखे चाहे मत लिखिए, अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर प्लस अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा माइनस 2 बराबर कोष्टक के बाहर माइनस अंदर का चिन्ह परिवर्तित होगा माइनस 5 है तो क्या जाएगा प्लस 5। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर इधर माइनस 2 है उस साइड जाएगा प्लस 2। अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया है, मालूम हो गया है, अगर हमको अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात हो गया, जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है उसी प्रकार हमको अल्फा माइनस बीटा का मान मालूम हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी आ रहा है एक या दो या तीन, मान लीजिए एक आ रहा है, अगर जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा का मान निकल गया है निकल जाएगा हमको, जब अल्फा का मान निकल जाएगा तो बीटा का भी मान निकल गया, तो हमको गामा का मान पहले ही मालूम है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देख लीजिए, हम इसे यहीं पर बता देते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब इसी में हम टू अल्फा बीटा जोड़े हैं, टू अल्फा बीटा घटा दिए हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टू अल्फा बीटा जोड़ दिए और टू अल्फा बीटा घटा दिए हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से अगर इन इसको और इसको साथ में ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन टू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ए धन बी का होल स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या, यह है, यह सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए यह और यह बचेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर अल्फा बीटा। यही हमको ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है कितना है, सात, सात का स्क्वायर माइनस चार इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का मान हमको मालूम करना है, अल्फा बीटा का मान हमको कितना दिया गया है, बारह। सेवन स्क्वायर सात का स्क्वायर कितना होता है, उनचास माइनस बारह का गुणा चार में करेंगे कितना आएगा, अड़तालीस। और उनचास में अड़तालीस घटाएंगे कितना आएगा, एक। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो गया है हमको, एक। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो गया है, एक। अब ध्यान सुनिए सब लोग, इधर स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, कड़ी हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में, कड़ी में एक का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस एक। जब किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है। अब आगे देखिए, अगर हम प्लस लेंगे, अगर हम प्लस लेंगे, देखिए अल्फा धन बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है हमको, सात। प्लस लेंगे तो हमका अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस लेंगे तो एक आ गया, प्लस लेने हैं, प्लस ले रहे हैं तो एक आ रहा है। अब देखिए जोड़ने, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वन लेने पर। अब देखिए जोड़ेंगे, जोड़ने पर समान, देखिए जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा बराबर सात एक आठ। इधर दो का गुणा इस साइड आएगा, दो का क्या हो जाएगा, भाग, दो का भाग आठ में देखिए कितना आएगा, चार। अब अल्फा का मान निकल गया, अल्फा का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का मान हम इसमें रख रहे हैं तो अल्फा धन बीटा बराबर कितना है, सात है। अल्फा की जगह हम चार रखेंगे, चार प्लस बीटा बराबर कितना आया, सात। तो बीटा बराबर कितना होगा, सात, ये बगल प्लस चार इस साइड आएगा तो माइनस चार, सात में से चार गया कितना आ जाएगा, तीन। बीटा का मान कितना आया, तीन। अब देखिए हमको गामा का मान यहाँ पे निकला है, अल्फा का मान हमको यहाँ ज्ञात हुआ है और बीटा का मान हमको यहाँ ज्ञात हुआ है, मतलब तीनों का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया है। यहाँ पे हम लोग प्लस लिए हैं, प्लस लेने पर अब अगर हम देखिए प्लस लेने पर, अगर हम प्लस ले रहे हैं तो इतना है, अगर माइनस लेंगे, माइनस लेने पर क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है हमको, सात। और अल्फा माइनस बीटा, अब देखिए माइनस वन लेंगे, माइनस वन लेंगे तो ये कटेगा, तो अल्फा अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा बराबर सात में से एक गया छः, मतलब अल्फा का मान कितना आया, तीन। और बीटा का मान कितना आएगा, अल्फा का मान इसमें रख देंगे तो अल्फा धन बीटा का मान बराबर सात है, अल्फा की जगह तीन रखेंगे तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, चार। देखिए अब आप लोग देखिए, गामा का हमको मान मालूम है कितना है, गामा का मान कितना मालूम है, माइनस दो। अब देख रहे हैं हम प्लस ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, लेने पर, प्लस लेने पर अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान कितना आया है, चार। और बीटा का मान कितना आया है, तीन। बीटा का मान कितना आया है, तीन, तीन। अगर माइनस लेने पर, जब माइनस ले रहे हैं तब,
माइनस ले रहे हैं तो अल्फा का मान 3 आ रहा है और बीटा का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अर्थात इसके शून्यक, अर्थात इसके शून्यक, जो इसके शून्यक होंगे, देखिए 3 है, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसके शून्यक कितना होंगे 3 होगा, 4 होगा और एक हमारा कितना है माइनस 2, यही शून्यक है, हमको शून्य ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात हो गया, कितना आया 3 है, 4 है और एक क्या है माइनस 2। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आप लोग देखिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा क्या है, एक ऐसा द्विघात बनाना है जिसके शून्यक इतने हो। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है यक्ष स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसके शून्यक ज्ञात कर लें तो बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यक्ष स्क्वायर बराबर इधर माइनस 25 है उस साइड जाएगा प्लस 25, इस साइड वर्ग है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग मूल। जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अर्थात इसका कहने का मतलब जो यक्ष का मान है प्लस 5 भी है और यक्ष का जो मान है माइनस 5 भी है, तो यक्ष बराबर प्लस 5, यक्ष बराबर क्या आया माइनस 5। अब देखिए जो प्लस 5 है वो किसका मान है अल्फा का मान, अल्फा का मान निकल गया, और जो माइनस 5 है वो किसका मान है बीटा का मान है। अब देखिए अल्फा का मान और बीटा का मान आप लोग को निकल गया है, तो इसमें हम पुट कर देखते हैं, 1 प्लस अल्फा का मान निकाल लेते हैं, 1 प्लस अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1 है 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 5 है 5, एक में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 6। अब जो बहुपद बनाना है उसके शून्य कितने हैं या क्या है 6, मतलब अब 6 हो गया। और देखिए 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा का मान 1 है 1, बीटा का मान कितना है माइनस 5, माइनस 5। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस 5 है, कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर नहीं बदलेगा, 1 माइनस 5 कितना आएगा माइनस 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, ऐसा बहुपद बनाना है जिसके शून्य इतना इतना हो, इसका मान कितना निकल गया 6 और इसका मान कितना निकल गया माइनस 4। अब एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसके शून्य 6 है और माइनस 4 है, तो हमको बहुपद बनाने का फार्मूला मालूम है, यक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू यक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यक्ष स्क्वायर है, यक्ष स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा धन बीटा, जो अल्फा बीटा क्या होता है शून्य होता है, शून्य यही है एक 6 है और एक क्या है माइनस 4, और यह अल्फा का मान 6 है प्लस बीटा का मान कितना दिया है माइनस 4, माइनस 4 इंटू यक्स है यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे 6 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 24, माइनस 24। अब यक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2x माइनस 24, यही एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्य 6 और माइनस 4 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आसानी से कर लेंगे। इस प्रश्नावली में आप लोग को जो भी क्वेश्चन, जो भी समस्याएं होंगी वो आप लोग पूछ लीजिएगा, और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।